मनुष्यले ज्ञान के अनेक साधन खोजे हैं, अनेक स्कूल, विद्यालय, यूनिवर्सिटीज और न जाने प्रवचन, लेखन, कितने ही साधन मनुष्य ने खोजे हैं। लेकिन अगर मुझे कोई पूछे कि आपकी दृष्टि से ज्ञान का साधन कौन सा और नया हो सकता है, मेरी दृष्टि से वृक्ष लगाना ज्ञान का सबसे श्रेष्ठतम साधन है, पेड़ लगाना ज्ञान का एक ऐसा कि जो जीवन के तमाम शास्त्रों का, जैसे कोई एक छोटे से वृक्ष लगाने में ही उसके स्वभाव को, उसकी पद्धति को, उसके जीवन को अगर कोई पढ़ ले तो इससे बड़ा कोई शास्त्र मुझे नजर नहीं आता। दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, पृथ्वी कर देती है उपद्रव, हो जाता है भूकंप और न जाने कितने लोगों की जिंदगी को किस प्रकार से रुला देती है। पानी देता है जीवन, फिर भी कभी बाढ़, कभी सूखा, कभी अधिक, कभी कम और न जाने किस किस प्रकार से वो पानी भी जीवन को त्रस्त कर देता है। और अग्नि तो हम जानते हैं, वायु को भी जानते हैं, मनुष्य को भी देखते हैं, पशु पक्षियों को देखते हैं, लेकिन एक वृक्ष उसको अगर आप देखें तो उसका जन्म कितना कितना शालीनता से एक बीज जमीन में पहुंच जाता है, जमीन को आत्मसात कर लेता है, अंदर में समा लेता है, प्रेम से अपने आप को सौंप देता है उस धरती को। और उसके बाद पानी भी उसे एक सपोर्ट कर देता है और धीरे से उन दोनों के सहयोग से वो बाहर अंकुरित होकर के बाहर में आता है। हवाएं अगर उसे सहला देती हैं तो खुश हो जाता है, नाचने लगता है, धन्यवाद देता है और फिर ऊपर उठता है, उड़ता है और हरियाली सुंदर पत्तों से पृथ्वी को सजा देता है, फूल देता है, सुगंध देता है, सुगंध बिखेर देता है, फल देता है, मनुष्य की भूख को मिटा देता है, पक्षियों का सहारा बनता है, गर्मी में मनुष्य का सहारा बनता है और जिंदगी में जब तक है तब तक और जाने के बाद में भी वो अपने उस शरीर को भी किसी के उपयोग के लिए सौंप जाता है। ऐसा कोई सहयोगी तत्व अगर इस संसार में है तो वृक्ष है। और इसलिए मैं कहती हूँ कि वृक्ष को लगा दो और उसके जीवन को पढ़ो और उसके जीवन के पढ़ करके एक जीवित विज्ञान, एक जीवित शास्त्र अगर जीवन में उतर जाए तो दुनिया के लिए तुम भी एक वृक्ष की तरह आदर्श बन करके हरियाली, सुख और शांति दे सकोगे। लगाओ वृक्ष और बनो वृक्ष की तरह।